नमस्कार, सदियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विंध्याचल मेले में हो रहा निशुल्क फलाहार वितरण। माँ विंध्यवासिनी के पावन मंदिर पर लाखों भक्तों की भीड़ प्रतिदिन दिखाई दे रही है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से माँ के भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। वहीं इस बार तापमान का कहर बहुत अधिक बढ़ गया है। वहीं तापमान और प्यास से कुछ निजात दिलाने के लिए अमरावती चौराहे के बगल सुभाष यादव श्रद्धालुओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। उन्होंने निःशुल्क फलाहार एवं प्रसाद वितरण खोल रखा है, जहां श्रद्धालु स्वेच्छा से आते रहते हैं और प्रसाद ग्रहण कर उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। ये काम करने पर उन्हें मन को बहुत शांति और उनका परिवार सुख चैन से चल रहा है। सुभाष यादव का कहना है कि नवरात्र में पूरे 9 दिन 9 प्रकार के प्रसाद वितरण करेंगे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। सुभाष यादव, नवरात्र का पर्व चल रहा है और यहाँ पे आप जो है प्रसाद वितरण खोले हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं बाहर से, दूर दराज से। पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है। यहाँ पर पहले दिन जो है फलाहारी का आइटम चला था। अच्छा। और इसके बाद तरी चल रहा है, इसके बाद तो कचौड़ी सब्जी चलेगा। आप नवरात्र में पूरे 9 दिन करेंगे या? 9 दिन चलता रहे। कूलर लगाए, पंखा लगाए, लाइट लगवाए हैं, बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर, पानी ठंडा शीतल जल व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये धर्म काम करके आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हमको धर्म काम करने में बड़ा सुपर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी की सेवा भाव करने में, सहायता करने में, खाना पीना पानी देने में, खाना खिलाने में, नाश्ता कराने में अच्छा लगता है। आते हैं दर्शन? हाँ हाँ हाँ, एकदम। मानवरा का परिचय? मुन्ना लाल यादव जी। बताएं आप कि विंध्याचल में जो ये प्रसाद वितरण खुला है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है कि यहाँ के लाखों श्रद्धालु आते हैं और माँ के चरण में सुभाष भाई हमारे सुभाष यादव, इनके सौजन से चल रहा है प्रसाद ग्रहण। ये 9 दिन तक चलेगा। तो ये पहली बार हो रहा है कि पिछले दिन? अभी तो पहली बार शुरुआत हुआ है। अभी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो हमेशा चलता रहेगा। हर साल साल में 2 बार नवरात्र आता है तो दोनों नवरात्र में चलेगा ये। तो दर्शनार्थी खुद आते हैं कि आप लोग? नहीं, खुद आते हैं, चल के आते हैं और बुलाते भी हैं। अगर रास्ते में जा रहे हैं तो बोलते भी हैं कि आइए प्रसाद, आज खिचड़ी तहरी चल रहा है। हाँ, पानी भी मिल रहा है, पानी, ठंडा पानी, शुद्ध पानी। और यहाँ सारी व्यवस्था, टेंट लगाए हैं, कूलर लगा है, बैठने का व्यवस्था है, सारी व्यवस्था की है यहाँ पे।